तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एंड द इम्पोर्टेंट सेक्शंस। प्लीज मार्क कर लीजिएगा अपनी सेक्शन इन केस लॉ लिस्ट, आप लोग खुद ही बना लो आज, ठीक है? कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो, बिकॉज टुडे विल बी द लास्ट डे व्हेन वी बी डिस्कसिंग दिस चैप्टर। तो यार दोस्तों, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये बिल्कुल ही न्यू सेक्शन है। आई मीन द न्यू चैप्टर व्हिच हैज बीन एडेड टू द सीए फाउंडेशन कोर्स, और स्वेल इट वाज इनटू द सीए इंटरमीडिएट कोर्स, राइट? ओके, सो सबसे पहले आपको हाईलाइट करना है सेक्शन नंबर 13। दीज पीडीएफ्स आर ऑन आईसीएआई बोर्ड ऑफ स्टडीज, उसमें सीए फाउंडेशन में जाओगे, सीए फाउंडेशन में वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसमें लॉ का मिलेगा। ये तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वैसे तो आपकी बुक भी आ गई होगी। ओके, सेक्शन 13 हाईलाइट कर लिया। क्या बोलते हैं सेक्शन 13? लिखो काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फटाफट से लिखो स्पीड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, कोई जाएगा नहीं। गाइस, एम आई ऑडिबल? एवरीथिंग इज एक्चुअली, आप लोग दिख नहीं रहे हो ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लास में। वो बच्चे कहाँ गए जो यार क्लास में वीडियो ऑन कर लेते थे, थोड़े बहुत बच्चे थे ना ऐसे। अच्छा जी, इसके बाद हाँ, तो आप लोग सेक्शन नंबर 4 प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन नंबर 4 लिखो बेटा। स्क्रीन जिसको ब्लैक आ रही होगी वो देख ले, मेरी ऑडियो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? इसके बाद ये आना चाहिए आपको, प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिफिक आ सकता है क्वेश्चन में, बिल्कुल आ सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉमिसरी नोट, ठीक है? तो इसके पहले जो सेक्शन था दैट वाज सेक्शन नंबर 4, और याद होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेक्शन नंबर बीच में आ रहा है सेक्शन नंबर 31, ये दो तीन बार नोटिस मतलब आएगा। सेक्शन नंबर 31 जो बोल रहा था ना कि प्रॉमिसरी नोट के नॉट बी मेड पेबल टू बेरर, सेक्शन 31 ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट, ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सेक्शन 31 कौन सा है? सेक्शन 31 इज नॉट ऑफ द नेगोशिएबल, इट इज ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ओनली रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक कैन मेक और इशू प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर, और कोई नहीं कर सकता। सेक्शन 31 इज नॉट ऑफ नेगोशिएबल, इट्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज का सबको याद होना चाहिए स्पेसिमेन, ठीक है? देखो फिर से आ रहा है ना सेक्शन 31 ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया, तो सेक्शन 31 ऑफ बैंक ऑफ इंडिया बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया एक्ट मतलब आरबीआई एक्ट 1934। चेक सेक्शन 6, वो मिस हो गया क्या? सेक्शन नंबर 5 कहाँ है, पेज बताना। सेक्शन 5 ही है कि नहीं है? देखो यार, जो बुक में दिया है सिर्फ उतना करो, वैसे तो नीचे दिया हुआ है कंबाइंड रीडिंग में, अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ 5 एंड 6 टेल्स दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट राइटिंग कंटेनिंग एन इंस्ट्रक्शन टू थर्ड पार्टी, चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज। सो एक्चुअल में 5 भी होना चाहिए, कर सकते हो आप लोग 5। अच्छा, चेक का स्पेसिमेन रटा होना चाहिए बिल्कुल। हाँ जी, तो टाइप्स की बात हम लोगों ने की थी ना 13 की, सेक्शन 13 ये वही है, ठीक है? दिस इज ऑप्शनल, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल। अगर आपको लगता है आप बहुत तेज हो रटने में याद करने में, तो ये भी कर सकते हो। देखो हर एक चैप्टर में कैटेगरीज होते हैं, लाइक एकदम हॉट्स वाले हैं जो कि मैं हाईलाइट करवा रही हूँ ग्रीन से, ये ऑप्शनल है। अगर याद हो सके पहले से तो बहुत अच्छा है, लास्ट मोमेंट पे याद करो टाइम नहीं है, छोड़ सकते हो। इनलैंड एंड फॉरेन 11 एंड 12,
लेकिन डेफिनेशन आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा का पूरा वो छोड़ दो, मैं बस बोल रही सेक्शन। वैसे तो इनलैंड और फॉरेन याद होना चाहिए। सेक्शन 20 छोड़ दो, ऑप्शनल। नेगोशिएशन सेक्शन 40 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि कब नेगोशिएशन होता है। ठीक है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, एक है नेगोशिएशन एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, आप सबको पता है कि यार एंडोर्समेंट होगा तो डिलीवरी भी होगी, सेक्शन 48, और ओनली डिलीवरी 47। 47 48 इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन एंड केस लॉ लिस्ट आपकी खुद ही बन गई है। आप चाहो तो इंडोर डिलीवरी में 46 एंड 47 याद कर सकते हो। 46 एंड 47 इज नेगोशिएशन बाय डिलीवरी एंड 48 इज नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। डिसऑनर 138 to 142। अब इसमें तुमको ना एक एक सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी डिसऑनर का क्वेश्चन आता है आप बोल सकते हो कि सेक्शन 138 to 144 एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 138 to 142। इसमें इंडिविजुअल याद करने का ऐसा जरूरत नहीं है। ऑल्सो ये 138 के एक्सेप्शंस, 138 कब तक अप्लाई, देखो 138 सिंपली क्या बोलता है गाइस, आपको पता ही होगा 138 बोलता है कि कब क्राइम है, बट कब तक क्राइम नहीं है, ये है वो 138 कब तक अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये भी प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर 139। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर 139। तो ये 138 से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, पता है ना उसी के आगे का है। अब तुमको इतना याद करने की जरूरत नहीं कि 140 क्या कहता है, तो 141 क्या कहता है, 138 to 142 भाई साहब बस। हाँ उसमें अगर तुम 139 याद कर सकते हो अच्छा है। चलिए अब ना प्रेजेंटमेंट के लिए भी इंडिविजुअल नहीं याद करेंगे यार, सिर्फ यही तो चैप्टर करना नहीं है अपने को। तो प्रेजेंटमेंट में 61 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75A, 76, 77। ठीक है, 61 to 77। कभी भी क्वेश्चन आता है प्रेजेंटमेंट को लेकर के, आवर, पर्सन, ब्ला 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 ब्ला, एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट, सो यू विल से एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस अंडर सेक्शन 61 to 77 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच कवर्स प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब उसके तहत आप कुछ भी करो, आप भाई नहीं कर पाओगे ना। अगर आ रहा है ड्रॉइंग टाइम फॉर डेलिब्रेशन प्रेजेंटमेंट, ठीक है, तो ये नहीं कर पाओगे इतना। ठीक है, एक बात हो गई, बाकी बातें प्लीज क्लास में मत करो, अभी मैं बहुत फोकस्ड काम कर रही हूँ, बाकी जितनी बातें हैं बातें करना। अच्छा फिर भी इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। 61 to 77, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि यार मुझे कुछ तो याद करना है मैम, तो इसके अंदर भी तुम एक्सेप्टेंस का 61 याद कर सकते हो, पेमेंट का प्रेजेंटमेंट 64 याद कर लो,
तो 61 to 77 तो तुम्हें रटा होना चाहिए भाई कि इसमें दुनिया जहान के प्रेजेंटमेंट के रूल्स हैं। अब उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, फिर भी तुम कह रहे हो नहीं मैम मुझे दो तीन इसके अंदर बता दो मैं याद कर लूंगा। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस याद कर लो, एक्सेप्टेंस प्रेजेंटमेंट पढ़ा होगा तुमने 61, और फिर तुमने पेमेंट के लिए याद कर लो, और बस ये याद कर लो, ये भी काफी कम मतलब ऑप्शनल है। 76 का प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है, ये आ जाता है। चलिए लास्ट ऑप्शनल, बेटा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के वो नहीं हो सकते असाइनमेंट, बिकॉज असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट इज नथिंग बट अ सम ऑफ ऑल द प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चंस, द हॉट क्वेश्चंस बाय आईसीए। अब वो मैं तो बना नहीं सकती, तो असाइनमेंट का मतलब होता है कि बच्चा अपने आईसीए मैथ से ज्यादा कुछ कर पाए। उसके लिए आज तक के जितने भी दुनिया जहान के सवाल आ चुके हैं आरटीपी में, एमटीपी में, पीवाईक्यू में, वो सब मैंने एक जगह करके उसको नाम दे दिया असाइनमेंट। तो क्योंकि ये नया नया चैप्टर है, इसका कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है बताइए गाइस, इतना डन है? मैं एनपीयू की बात का बता देती हूँ, कल बता दूंगी, तब तक एनपीयू के असाइनमेंट कर लूँ। इतना हो गया। अब देखो यार, इस क्वेश्चन का वेट, इस चैप्टर का वेटेज किसी को पता है? एनीबॉडी? मैंने बताया था भाई 30%, कौन कह रहा है? तीस नंबर का नेगोशिएबल आ जाएगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से 70 नंबर का आना चाहिए। 10 का आएगा यार, देखो ठीक है 10 मान के चलो, उससे ज्यादा मान के चलो, तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आ सकते हैं। मैंने कहा अभी मुझसे प्लीज बात मत करो, मैं थोड़ा पढ़ा दूँ, उसके बाद सब लोग वेट करके बाकी बच्चे चले जाएंगे, आप लोग सारी अपनी चिंताएं समस्याएं मुझे बता दीजिएगा। देखो तो मैंने जो आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के Q&A दिए थे, क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो, उसमें आपका MCQ हो गया था, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया था, हो गया था। जो नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है। अब आप डिस्क्रिप्टिव में यदि आए तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये सब मैंने सॉल्व करवा दिया था, ये आपका इसको बोलते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ रहा है, ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहा है, और ये भी एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहा है। तो कुछ ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर जब आपने देखे होंगे तो आपको तसल्ली से समझ में आ गया होगा कि यार कैसे करना है, अगर एक केस स्टडी क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। इसका Q&A का वीडियो यूट्यूब पे भी, और मेरे ख्याल से आपने टीम से अपलोड भी करवा दिया था, ठीक है आप लोगों ने, किसी ने बोला था तो मेरी टीम ने अपलोड भी कर दिया था। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन एंड आंसर सबने देख लिया है? यस मैम डन, यस मैम डन। ओके तो अब मैं अगर आप लोगों को करवाऊं कुछ थ्योरी क्वेश्चंस, तो देखो माय क्वेश्चन लिस्ट व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू राइट नाउ, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव, इट्स नॉट लाइक कि इसके आगे कुछ आ ही नहीं सकता, राइट? तो सबसे पहले कुछ बेसिक हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग लिखिएगा, जहां जहां यार बुक में है वहीं वहीं इसका क्वेश्चन भी लिखवा देती हूँ। स्पीड में राइट द बैकग्राउंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स लॉ, फटाफट से स्पीड में लिखो सब लोग, और जो चीजें क्लास में हो सकती है उसको क्लास में कर लिया करो, बहुत से लोगों की आदत होती है अभी तो कोई बात नहीं देख रहे हैं, बाद में फिर से देखेंगे, टाइम नहीं है सितंबर बैच में, जो कर रहे हो फटाफट करो, कोई भी क्लास को 10 बार देखने की आदत में डालो, इतना कोई क्लास में खजाना नहीं है कि उसको आप लोग बार बार देखोगे, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर टू, राइट द या फिर व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? यहां से दिया हुआ है स्पीड में. क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द रीसेंट, राइट अबाउट ऑल द रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. चलो अब वही सब है, डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कॉमा टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ठीक है, अलोंग विद their sections. Difference between negotiable instrument payable to order वर्सेस बेरर. फिर वही है नेक्स्ट. व्हाट आर द, ऊपर लिख सकते थे, यहां पे लिख दो डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइप्स ऑफ नेगो, छोड़ो अच्छा यहां पे लिख दो, राइट ऑल दी, राइट 6 to 7 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फिर बस वही है, डिफाइन अ प्रॉमिसरी नोट what are its essential characteristics, name the parties involved. अगेन कौन सा क्वेश्चन नंबर है? डिफाइन व्हाट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, नेम इट्स पार्टीज एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. Question 9, write down the process of a bill of exchange.
कोई होनहार छात्र होगा क्लास का, तो एक काम कर देगा मेरे एंड से, एकदम क्लीन एक कॉपी में पेज में मुझे सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिखवाए हैं 1 2 3 4, और एक पेज पे सेक्शन नंबर और केस लॉ, केस लॉ नहीं सेक्शन नंबर और उसका टाइटल, ठीक है? क्वेश्चन 9 हो गया ना, फिर 10 है, ड्रॉ द करेक्ट स्पेसिमेन फॉर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। नहीं, आप सेवन, हाँ नंबर में भी भेज सकते हो, बोल देना कि अग्रिका मैम ने मांगा है, और डाउट फोरम में भी डाल सकते हो, बोल देना डाउट सपोर्ट की टीचर से कि अग्रिका मैम ने मांगा है। क्लियर एकदम लिखना जिससे बाकी बच्चों को हेल्प मिले। हो गया, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 में आता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लिख लो। डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड चेक, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। जितने बच्चों की परेशानी है वो प्लीज रुके रहेंगे, और क्लास के बाद ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। हो गया, फिर से भाई डिफाइन चेक, व्हाई इज अ चेक पेबल ऑन डिमांड, या फिर लिख सकते हो व्हाट डज अ चेक पेबल बाय डिमांड मीन। थर्टीन, डिफाइन एन ई चेक एंड अ ट्रंकेटेड चेक ई चेक है। हाँ ई चेक में ऐसे आ सकता है, डिफाइन एन ई चेक, या फिर दूसरा नाम क्या है, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऐसे भी आ सकते हैं, डिफाइन चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो उसको बोलते हैं ई चेक। कितना हो गया यार, 13, काफी तगड़े क्वेश्चन हो गए, और ये तो मैंने बता ही दिया है, ऊपर ही आ जाना चाहिए था। क्या नाम से, क्वेश्चन 14, गिव एसेंशियल फीचर्स ऑफ चेक, नेम ऑल्सो नेम द पार्टीज इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन 15 में क्लासिफाई बिटवीन बियरर वर्सेस ऑर्डर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड वर्सेस
फॉरेन विद एग्जाम्पल ये बॉक्सेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से बना दोगे, बहुत ज्यादा स्केलिंग स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्केल से टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्केल थोड़ा कम से कम करो। यहीं पे लिखो 15th में, इनकोएट वर्सेस एम्बिग्यूस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। व्हेन आई से वर्सेस, आप इंडिविजुअल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लोगे तो भी आप डिफरेंस में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्वेश्चन 17, व्हाट्स द लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ फॉरेन बिल। क्वेश्चन 15 दिखाऊं? लो क्वेश्चन 15 देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। हो गया बेटा श्रीजा, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे बाद में जाऊंगी, फ्लो बिगड़ जाएगा। सो व्हाट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, बढ़िया से विद एग्जांपल समझाओ। एंड देन व्हाट्स द लायबिलिटी ऑफ मेकर या फिर ड्रॉवर ऑफ अ फॉरेन बिल। होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बिग्यूस और इनकोएट हो गया ना? हाँ हो गया। नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशन? What are the modes? Explain both the modes of negotiation. That is endorsement as well as delivery. ठीक है, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन कर देना, मतलब इसमें इसका मतलब है कि आपको पूरा आना चाहिए। व्हाट इज
नेगोशिएशन वेंडर्स में वर्स नेगोशिएशन, इसमें इंडिविजुअल एक एक भी आता है चार चार नंबर का, तो आप लिख पाए इतना कंटेंट दिया हुआ है। क्वेश्चन 20, व्हाई इज डिलीवरी इम्पॉर्टेंट इन बोथ द मोड्स ऑफ नेगोसिएशन? एंडोर्समेंट में भी डिलीवरी होता है, डिलीवरी में डिलीवरी होता ही है। सेक्शन 47 के साथ साथ बताओगे आप? क्वेश्चन 21, राइट अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ डिलीवरी व्हेन मेड बिटवीन ए पार्टीज ऑफ नियर रिलेशन पार्टीज अदर देन होल्डर इन ड्यू कोर्स? अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ चेक गेट्स डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, व्हाट इज द एक्शन विच सेक्शन गेट्स अट्रैक्टेड? तो मैं पूरा 138 एक्सप्लेन करना है। 23, अंटिल एंड अनलेस व्हेन, आई डोंट नो इफ दिट्स द राइट इंग्लिश, बट अंटिल व्हेन Does Section 138 not apply? या फिर लग सकते हो What conditions are to be fulfilled for Section 138 to be effective? मतलब बंदे को क्रिमिनल बनाना है उसके पहले क्या होना चाहिए? तो 138 के अपने exceptions। वैसे तो ऊपर कवर हो जा रहा है, फिर भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट ना जाए। क्वेश्चन 24 में व्हाट्स द पेनल्टी फॉर सेक्शन 138? क्वेश्चन 25, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। What's the duration
विद इन विच विद इन विच अ कंप्लेन कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 138। तो वही था 35, 30 और 15 days वाला। तो ये प्रोसेस याद होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम उसको भेज सकते हो, अगले 15 दिन में उसको बताना पड़ेगा। व्हाट्स द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्ड? ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं क्यों लिखवा रही हूँ, टाइम पास करवा रही हूँ क्या भाई? ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे। और हो सकता है गलती से आप लोग बच्चे ही हो, अभी पहली पहली बार लॉ पढ़ रहे हो, कहीं दिया है नहीं। इंस्टीट्यूट को हमेशा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देना चाहिए कि भैया इसमें से क्या निकल सकता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मिस हो सकता है। व्हाट इज प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर? आगे आप लिख सकते हो कि 138 में, आगे लिख सकते हो क्वेश्चन कि 138 में क्या डिफेंस यूज नहीं हो सकता। व्हाट डिफेंसेस अनटॉलरेबल और कांट बी यूज अंडर सेक्शन 130? बोला है अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि डिसऑनर हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद वही है, अब इसमें क्या ही बताऊं। प्रेजेंटमेंट में पूरा आप याद कर लो, प्रेजेंटमेंट में एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, नहीं हाउ, या फिर व्हाट आर रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस प्रेजेंटमेंट इन केस ऑफ पेमेंट, ये मेन है। प्रेजेंटमेंट व्हेन इज प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी? और आपको इसमें जितना भी है सब याद करना है। यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, एक्सेप्टेंस पेमेंट एंड प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अब से ये मैं एक एक तो लिखवा नहीं रही, बट ड्रॉइंग को कितना टाइम लग सकता है सोचने के लिए, कितना टाइम हमको देना है, राइट? तो 48 आवर्स देने होते हैं। फिर उसके बाद ये तो मैंने क्वेश्चन में करवा दिया, ये क्वेश्चन में करवा दिया, ये भी क्वेश्चन में करवा दिया। फिर छोटी छोटी बातें हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्या नाम से, हाँ क्वेश्चन 29, व्हेन इज प्रॉमिसरी नोट नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड? या फिर ऐसे बोल सकते हो, इसमें भी ये जो क्वेश्चन है ना, व्हेन इज प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, इसमें एक टॉपिक ये भी आ सकता है कि व्हेन इज प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक्सेप्शन वाला आंसर है इसका। आई होप मैं बहुत तेज नहीं जा रही हूँ, फिर ये आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंटमेंट जो है यूजुअल आवर में होना चाहिए, बैंक के लिए बैंक का यूजुअल आवर होना चाहिए, आफ्टर डेट साइट, इंस्टॉलमेंट के केस में जब स्पेसिफाइड प्लेस पता हो ना पता हो, कोई एक स्पेसिफाइड प्लेस पता ही ना हो, फिर कोई नॉन प्लेस बिजनेस ना हो, ऑन डिमांड एक्सक्यूज, एक्सक्यूज याद रखना, ये बता दिया मैंने।
इलैबोरेट द रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ डिस ऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इलैबोरेट द रूल्स, तो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर चेक हो. रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन टू होल्डर भी लिख सकते हो, ऑब्वियसली बात है, होल्डर को ही ना रूल कॉम्पेंसेट करेंगे. खदान 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 खदान. ये 13 क्यों लिखा है भाई, 30 होगा. 30 क्वेश्चन प्लस 4 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन. बाकी मुझे जा सकते हैं, जिनको सवाल है वो रुक सकते हैं. आज आपका ईगो का टेस्ट है और 6 बजे तक मेरी टीम अपलोड कर देगी, 6 से 7 के बीच में. क्वेश्चन ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट में भेजे या ऐसे ही पिक्स भेज दे. बेटा पीडीएफ में कर दो बेटा, बहुत अच्छा रहेगा. 1 2 3 हे भगवान, अब एक एक करके पूछोगे क्या तुम लोग? कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से देख लेना. और कुछ बच्चे थे जो कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे थे मुझसे क्लास के स्टार्टिंग में, कि मैम मेरा फर्स्ट क्लास है. पूछ लो भाई, काइंडली सॉल्व माई प्रॉब्लम, प्लीज सेंड योर प्रॉब्लम. प्रत्यक्ष मैम, टिल नाउ आई हैव ओनली कंप्लीटेड. या क्यों नहीं रहा है भाई? IRS, बट नेगोशिएबल एक्ट नॉट स्टार्टेड, टेकन सब्सक्रिप्शन लेट, प्लीज गाइड मी. ओके हाउ कैन यू कंप्लीट? देखो यार बेटा, अब क्या है कि प्रत्यक्ष आपको पता चल गया ब्लेंडेड बैच है, यहाँ पे पूरी क्लास लाइव में नहीं होती, उसकी रिकॉर्डेड होती है. तो अभी नेक्स्ट क्लास सबकी लॉ की बहुत देर बाद है, लाइक मंडे ट्यूजडे थर्सडे को है. तो थर्सडे तक आप धीमे 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 नेगोशिएशन स्टार्ट करो. कोशिश करो कि आज आपका कितना हो गया, मंडे, थर्सडे तक बहुत टाइम है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो. नेगोशिएशन जितना है पूरा कर डालो. अकाउंट्स में भी आज तक का जितना टारगेट हो चुका है, जैसे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आप छोड़ सकते हो, इन केस आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप रेक्टिफिकेशन कर लो एंड देन इनकम्प्लीट करना हो कर लो, वरना बाद में कर लेना, और एनपीओ कर लो. देखो हमारे पास इतना टाइम है ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम स्पीड में आगे जा रहा है, जा तो रहा है स्पीड में, बट आपके पास गैप भी है अच्छा खासा. एज ए न्यू स्टूडेंट आई हैव क्वेश्चन, विच चैप्टर शुड आई स्टार्ट सो आई कैन मैच योर लाइव क्लासेस? बेटा व्हाट यू कैन डू इज कि आज नेगोशिएशन खत्म है, फॉर एग्जांपल किसी को लोड नहीं लेना. अभी क्या है कि अपना जो नेक्स्ट लॉ होगा उसके लिए मैं आज आज कल के टारगेट में आज ही आप लोग पूरा कर लो, अपनी तैयारी कर लो, जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन है देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं. आप क्या कर सकते हो कि अपने नेक्स्ट लॉ क्लास तक मैं आज टारगेट भेज दूंगी कि क्या नेक्स्ट स्टार्ट करना है. शायद वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, तो आप उसी से स्टार्ट कर दो. फिर वीकेंड पे धीमे धीमे आप पुराना IRF नेगोशिएशन करना. स्टूडेंट ऑफ Jan 25, सो वॉट विल बी द गाइडेंस, बिकॉज आई एम न्यू हियर. सो फॉर न्यू स्टूडेंट द सेम इज गोइंग ऑन. एक्चुअली फॉर द जैन स्टूडेंट्स आई हैव काइंड ऑफ एडवाइज कि आप कोई दो सब्जेक्ट्स लेके चलो अभी. इट कुड बी लॉ, कुड बी अकाउंट्स, इट कुड बी लॉ, इट कुड बी इको, कुड बी लॉ, इट कुड बी मैथ्स. सो इफ यू प्रेफर नॉट टू टेक ऑल द 4 सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली गर विद, यू कैन टेक अप लाइक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, बिकॉज टाइम है अभी. सेप्टेम्बर तक जब ये इधर पूरा कोर्स खत्म हो चुका होगा रिवाइज, तो आपका 2 सब्जेक्ट डन हो चुका होगा, फिर आप फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट उठा सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में. एंड द सेम गोज, सो हूसोएवर आर द न्यू स्टूडेंट्स में आज तक आपका, आप चैट सपोर्ट टीम से बात करो. ठीक है, मैं अपनी टीम से बात कर लेती हूँ और मैं एक चीज बता देती हूँ उनको कि कहाँ गया. हाय गाइस, तो जितने भी न्यू ज्वाइनीज आप लोग के पास आते हैं, पूछते हैं कि अभी तो उनका बैच छूट गया है बहुत थोड़ा बहुत, तो उन्हें क्या करना चाहिए. तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों को मुझसे पूछ लेना चाहिए एंड मैं लिख करके दे दूंगी क्या क्या कंप्लीट हो चुका है. तो ये नाम एकदम आप लोगों को रटा होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं, बिकॉज वो बच्चे जब आएंगे तो आप उनको बता पाओगी उन्हें क्या करना चाहिए अभी मेरे लाइव बैच में जो छूटा है. तो आप चाहो तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो उधर, तो मैं आपको भेज देती हूँ.
ऑल दो टारगेट्स तो है ही। जिन बच्चों का भी फर्स्ट डे है, आप हमारी टीम से सिलेबस बेटा बहुत पहले कंप्लीट कर देंगे, हम सितंबर तक वेट थोड़ी करेंगे। और स्पीड में ही जा रहा है बढ़िया से। अच्छा, जितने बच्चे न्यू आए हुए हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को टारगेट्स मिल रहे हैं, राइट? प्रत्येक बेटा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप लोग एक साथ मैसेज लिखा करो। पहली बात तो एक मैसेज लिखते हो, फिर दूसरा मैसेज लिखते हो, उसके बीच में 10 मैसेज आ चुके होते हैं, तो अपना एक कंप्लीट मैसेज लिखिए। हाँ, तो जितने बच्चे न्यू आए हुए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाहो तो मेरी टीम को ऑडियो भेज सकते हो 7393969262 कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, मैथ्स क्लास जो है, मैथ्स क्लास आपकी कल, अभी टारगेट आ जाएगा। मैथ्स क्लास का पहला इंट्रोडक्शन क्लास कल है, और आपकी मैथ्स क्लास होने वाली है वेडनेसडे, सैटरडे, संडे 3:30 बजे। बेटा तमन्ना, आप क्लास के बाद देख लेना क्वेश्चन। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। एक मिनट गाइस, मैं सबका आंसर दूंगी। आप लोग ऐसा करो, नेक्स्ट टारगेट से स्टार्ट करो। अकाउंट्स में भी नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है, लॉ में भी नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है। जितना हो चुका है वो मेरी टीम से पूछो कि क्या क्या हो चुका है, उसको धीमे धीमे वीकेंड पे करते रहना। अभी कम से कम इसको कैचअप करो वरना सब छूट जाएगा। प्रॉब्लम विद रेगुलर कॉलेज मैं नहीं बता सकती, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने आवर्स जा रहे हो, कितना दूर है, कितना आपका टारगेट है कॉलेज का, आप कितना टाइम सीए फाउंडेशन को दे रहे हो। सेप्टेम्बर एंड जैन में सेम क्लासेस सेम स्पीड नहीं हो रही है। जनवरी का बैच हर जगह कोचिंग्स में बाद में स्टार्ट होता है। मेरे वहां हमेशा क्या होता है कि जितने जैन के बच्चे हैं जो अभी से सीरियस से पढ़ाई करने के लिए, वो अभी से बैच स्टार्ट कर देते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती। आपने एक बार जैन का बैच सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि कम से कम अभी से 2 सब्जेक्ट का टेंशन खत्म करो। 2 सब्जेक्ट को इतनी स्पीड में करो जैसे कि तुम्हारा सेप्टेम्बर में एग्जाम हो। इससे क्या होगा, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। अब वो आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हो 2 में। आई वॉन्ट टू गिव सी एस एग्जाम इन जुलाई, तो जुलाई है तब तो आपके लिए सेप्टेम्बर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जान कर सकते हो, और जुलाई में अगर खत्म हो जाता है फिर टाइम ही नहीं है अगस्त वगैरह का। एंड आई एम श्योर कि सी एस में भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनको एक ऑडियो मेरा शेयर हो जाएगा। ठीक है, बेटा गर्वित आपका जो सवाल है आप 7393969262 पे अपना ऑडियो भेज देना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स का क्लास अपलोड करना है। और जिन भी बच्चों का पर्सनल ऐसा डाउट है
वो 7393969262 पे मैसेज कर सकते हैं मेरी टीम को, उसमें एक ऑडियो भेज देगा, एक सिंगल ऑडियो ऑडियो, और बोल दीजिएगा कि अग्रिका मैम को ट्रांसफर कर दे, मैं 24 आवर्स में पूरी कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की, तो आपका पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी हो जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी. थैंक्स.